वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। पंजाब कांग्रेस के सूबे इंचार्ज हरीश रावत ने सूबे के मौजूदा संकट के विचकार हुण पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मनाउण की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिस तो यह पता लग सके कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस वालों अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह वालों दो तीन दिनों तो जो बयान आए हैं उन्होंने तो जापता है कि वह किसी तरह के दबाव हेठ हैं। अगले साल होने वाली विधानसभा चोणों के मद्देनज़र पंजाब के सूबा इंचार्ज हरीश रावत ने कहा कि केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा जिसनों पंजाब के किसान पंजाब के लोग समझते हैं वह अमरिंदर सिंह मुखौटे के रूप में वरत रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुण तक जो कहा है उसते मुड़ विचार करना चाहिए अते भाजपा वर्गी किसान विरोधी पंजाब विरोधी पार्टी की सीधी या असिधे तौर पर मदद न करो। रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हुण तक जो भी किया है यह कैप्टन अमरिंदर सिंह के माण अते सन्मान की रक्षा लिए किया है। पंजाब विच पार्टी की संभावना नूं वधाउण लई 2022 विधानसभा चोणां नूं ध्यान विच रखदिआं किया है। दस दिए कि कांग्रेस तो नाराज पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह छेती ही अपनी नवी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि अगले 15 दिनों में कप्तान कोई वड्डा फैसला ले सकते हैं। इस दे नाल ही यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उद्देश्य 3 नवे खेतीबाड़ी कानूनों नूं रद्द करना होगा। दसा गया कि बहुत सारे कांग्रेसी आगू साबका मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। इस तो पहला वह राजधानी दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नाल मुलाकात की।